अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं साहब? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से सारे खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा बाग के बारे में। कोई भी बाग, मसम्मी, फ्लूटर, किन्नू, कोई भी बाग हो, के बाग के अंदर जब बाग नया लगाते हैं तो उसकी जो छोटे बाग, जो छोटा बाग होता है, इसके नीचे से खट्टी निकल आती है। जो खट्टी होती है उसको फिर तोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो खट्टी ना तोड़ें तो, अगर इसकी खट्टी ना तोड़ें इसको, तो फिर ये जो पौधा होता है, पौधा कमज़ोर होता जाता है, और खट्टी जो है इसकी सारा जो ताकत होती है वो खट्टी ले जाती है, जिसकी वजह से पौधा कमज़ोर रहता है, तो जल्दी वो बढ़ता नहीं है, बढ़ोतरी नहीं करता, उसकी नशरमा रुक जाती है। अच्छा, तो दोस्तों ये मेरे पीछे आप देख रहे हो कि बाग, इसको हल लगाया हुआ है, क्योंकि ये पहले इसमें गंद बहुत ज़्यादा हो गया था। इस सारे बाग को हल लगा के इसके अंदर दोबारा खेरे बनाई, और कल हमारी नीचे से ना खट्टी दोबारा निकली हुई है। ये एक साल हो गया इस बाग को लगाए हुए, ये पौधे एक साल के हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, अच्छी इनकी ग्रोथ है माशाल्लाह। तो इनमें से काफ़ी पौधे हैं जो जिनके अंदर वो खट्टी निकली हुई नीचे से, क्योंकि जो पौधे, जो पौधा होता है, पौधे की जो शाख निकली होती है, शाख के नीचे से जो पेवंद की होती है, उस पेवंद के नीचे नीचे से खट्टी निकलती है, वो खट्टी तोड़नी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वो खट्टी ना तोड़ें तो ये पौधा जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, इसकी नशरमा रुक जाती है, वो जितनी इसकी ताकत होती है वो सारी खट्टी ले जाती है, जिसकी वजह से खट्टी दिनों में वो बहुत बड़ी हो जाती है, और पौधा जो कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है, तो वो जल्दी बड़ा नहीं होता, इसलिए खट्टी को लाजमी तोड़ना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा खट्टी तोड़ने का तरीका, कि खट्टी सही तरीके से खट्टी तोड़े तो दोबारा वो खट्टी दोबारा कभी वहाँ से निकलती नहीं है, दोबारा वो शाखें नहीं निकालती वहाँ से। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि खट्टी क्या तोड़ने का सही तरीका क्या है, चलेंगे। अच्छा, तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ, ये वाली खट्टी है, इसके ये देखो, इसके खट्टी की पहचान ये होती है कि इसके जो पत्ते होते हैं ये नरम नरम कूले कूले पत्ते होते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं, बहुत लंबे लंबे मोटे मोटे कांटे होते हैं। बूटा ये है, पौधा जो है इसकी खट्टी ये है। खट्टी की पहचान, सबसे पहले खट्टी की पहचान ये है, ये खट्टी है, मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको। हाँ, देख रहे हैं, ये देखें, जब खट्टी ऐसे तोड़ें तो ये खट्टी दोबारा कभी यहाँ से दोबारा शाख नहीं निकालेगी। ये देखें नीचे से, ऐसे इसका छिलका जो है साथ उतरना चाहिए, अगर ये जब इसका छिलका साथ उतरेगा तो दोबारा यहाँ से खट्टी कभी इसका शाख नहीं निकालेगी। अगर इसको हम ऐसे कटर के साथ ऊपर से काट देते खट्टी को, तो तकरीबन 10-12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद यहाँ से फिर 10-15 इसके शाखें दोबारा इसने निकाल लेनी थी। जब ऐसे खट्टी तोड़ें इसके साथ, तो ये खट्टी दोबारा कभी यहाँ से शाख नहीं निकालेगी, ये वाली, ऐसे इसकी शाख नहीं निकलेगी दोबारा। कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। दोस्तों, जिस दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने वीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।